बोल के, है ना। और चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है, चुनाव लड़ रहे लोगों को नहीं सुनने आते, इतने लोग इतना प्यार नहीं करते। आज जितना चंद्रशेखर से लोग प्यार करते हैं, क्या हमारे जैसे लोगों से करते हैं क्या है? ये क्या है, ये दर्द है भाई, ये दर्द है। और मैं बताऊं, तुम दोनों इकट्ठे हो जाओ, मुसलमान तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार है। मुसलमान संरक्षण ढूंढ रहा है, उसको जब डर लगता है बीजेपी से कांग्रेस में चला जाता है, जब कांग्रेस कमजोर लगती आम आदमी में चला जाता है, फिर डर लगता है फिर कांग्रेस में चला जाता है। अगर मुसलमानों को यकीन होगा ना कि चूड़े और चमार नहीं लड़ेंगे हमारे खिलाफ, तो इन ब्राह्मणों की तरह नाड़ तोड़ देंगे वो लोग, गर्दने जैसे मुर्गे की ना। मैं गारंटी देता हूँ, हमारे समाज का एक 8 साल का बच्चा भी होगा ना, मुर्गे की गर्दन तोड़ देगा, ब्राह्मण 100 साल का नहीं तोड़ सकता। ये हमें ही लड़वाते हैं आपस में, ये हमें ही लड़वाते हैं। तो ये अप्रवासी भारतीय हैं, एनआरआई हैं ये लोग। और एक और विडंबना की बात तो मैं आपको, ये अपने साथ ना महिलाएं भी नहीं लेके आए थे, ये गायें लेके आए थे अपने साथ। ये गायें इस देश की जात नहीं है। और कंपनियों के नाम रख ले के अल अनूर, मुसलमानों के नाम पे इन्होंने कंपनियां बना रखी गौ हत्या की, जो इनके बड़े बड़े कारखाने हैं, और सारे ब्राह्मण बनिए ठाकुरों के पास हैं, सारा गाय का मांस ये लोग बेचते हैं, है मॉब लिंचिंग कर करके हमारे लोगों को मारते हैं। अरे तुम रख के देखते ना चंद्रशेखर को 6 महीने और देखते रख के, जब मोदी की जमानत जब्त ना होती है तो मेरा नाक काट लेते आप लोग। ये इन लोगों के औकात नहीं है, आप लोग डरना बंद कर दो, ये आपसे डरते हैं। और जो आदमी डरता ना, इन्होंने कितनी बार भारत बंद कर लिया, आज तक नहीं हुआ। हमने एक दिन मजाक सा ही किया था लोगों ने, पता नहीं किसने शुरू किया, और पूरा भारत जाम हो गया। और जिस दिन ये समाज हथियार उठा लेगा ना, उस दिन इनको जगह नहीं मिलेगी, इनका भगवान बचाने नहीं आएगा इन लोग। अगर इतना इनके भगवान में ताकत होती, राम मंदिर में इनका वो जो मुकदमा ना सुप्रीम कोर्ट में लटका नहीं रहता, तो भाई राम राम वाला की बतेरी बार सरकार बना लिया आप लोगों ने, है राधे राधे वाला के खूब गीत गा लिए, अब की बार जो है ना भीम वाला की सरकार बनाओ मूल निवासियों की। और एक नारा मजबूत करो, एक नारा मजबूत करो, हम सारे एक ही लोग हैं, धोबी कुमार चमार चूड़े जाट गुजर अहिर ये सब एक ही लोग हैं, इनकी समझ में आ जाएगी धीरे धीरे, आएगी, मिशन चल रहा है ना। तो आप लोग एक नारा जरूर बोला करो, है ना, बोल 85 जय मूल निवासी। इनको घबराहट होने लगी मूल निवासी शब्द से, ये सब अमीर लोग थे। आप एक और तो आप, जब देश गुलाम था तो गुलाम जमींदार होते क्या, बड़े बड़े जमीन भी तो गुलाम होगी इस देश की। बाबा साहब लैंड रिफॉर्म एक्ट लेके आए थे कि जमीन का राष्ट्रीयकरण कर दो, ठीक है, जिसने चाहिए बोले भाई आगे ने ले ले सरकार से। इन लोगों ने अपने चमचों को अपने गुलामों को जमीनें दे दी, सारी चीजें दे दी। हमारे लोगों पे झुपड़ी भी नहीं होती है, मतलब घर में उसी में हम जानवर बांध रहे हैं, उसी में भैंस बांध रहे हैं, उसी में हम खुद रह रहे हैं, कैसी व्यवस्था है। तो ये देख लो, देश आजाद हुआ था, गोरे अंग्रेज गए थे, काले अंग्रेज आ गए, ये इस देश के लोग नहीं है, इस देश के असली मालिक आज भी घर के बाहर बैठे हैं, ठीक है। बाबा साहब ना होते तो ये हमें उसी व्यवस्था में रखते। और मानसिक विकास आप लोगों का होना जरूरी है, जो पढ़े लिखे बच्चे ना भाई, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, 15 मिनट ना अपनी एकेडमिक एजुकेशन से अलग हटके पढ़ा करो। ये जो मेरी बातें सुन रहे हो ना आप ध्यान से, ये दूसरी किताबें पढ़ने से जाते आइए, नहीं तो वकालत में तो रोजी रोटी चल रही थी हमारी। तो दूसरी किताबें जो सामाजिक कार्य करता है उन लोगों की किताबें पढ़ो, उनको आदर्श बनाओ आप लोग। आज देखो कौन जानता था चंद्रशेखर को, आज आप लोग इतना प्यार कर रहे उसके नाम पे तालियां बजा रहे, तो ऐसे बनना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। भगत सिंह 23 साल का था, कितने का था जब फांसी टूट गई थी, है ना, आज क्यों याद करते हैं लोग। तो जो ये है ना आपका जीवन, ये महान होना चाहिए, बड़ा होने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। 60-60 साल के बूटा सिंह भी रहे हैं वाल्मीकि समाज के, तुम्हारे यहां से भी विधायक रहे, हमारे यहां से भी विधायक रहे, कदे समाज की बात नहीं करी उन लोगों ने। वो कात्या के कुत्ते की तरह बैठे रहते थे, मालिक कहेगा भोकेंगे, मालिक कहेगा काटेंगे, मालिक जो कहेगा वही करेंगे। तो आप लोगों का धन्यवाद। और मैंने 4 लाइनें लिखी थी, मैं जब मंत्री था, बड़े ध्यान से सुनना आप लोग, मैंने लिखा था, अगर संविधान सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है, अगर संविधान सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है, अगर हम सुरक्षित है ना तो ये देश सुरक्षित है, आग लगा देंगे इस देश में, हम नहीं रहेंगे तो कहेगा देश फिर भाई, लोग ही नहीं होंगे तो देश कहेगा, कोई जंगल में यहाँ कोई आके सोता है तो फिर ये कौन सा बस्ती है। ये लोग देश है, हम लोग देश है, हम 85% लोग हैं, एक तरफ तो 15% लोग 51% आरक्षण लेके बैठे हैं। एक एक दिन बिठाओ ना हमें भी, अपने जो ना बालाजी महाराज के मंदिर में बिठाओ किसी जाटों को वाल्मीकि को, एक दिन का चंदा हम ले आते हैं, तुम्हारे भाई है तो हिंदू है तो, है ना। और मैं तो ये कह रहा हूं, ये हमारे साथ भाई बैठे हैं, कि इनके जितने धार्मिक स्थल है ना वहां रैलियां निकालनी शुरू करो,
है ना, साला पाट दो उसे नीले रंग से, पता चल जाए भाग जाएगा इनका अनुमान। कोई कभी सूर्य खा सकता है बेवकूफ बना रहे है? एक छोटा सा आग का गोला नहीं खा सकते है? अनुमान वो खा गया है? कितनी बड़ी सर्जरी, हाथी का नाट लगा दी उसके साथ है? आज क्यों जाते हैं अमेरिका, केजरीवाल वहां जाता है, यहाँ मोहल्ला क्लिनिक खोल रहा है, अपना इलाज कराने बेंगलोर जा रहा है ना। तो ये जो है ना, ये लोग सिर्फ आपकी बात करेंगे, आपका काम नहीं करेंगे। आप लोगों को समझना है, ठीक है। और मैं तो एक बात कहता हूँ, अपने लोगों की बुराई मत करना। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, इनकी बुराई मत करो, चाहे पॉलिटिक्स में है जैसे भी है, लेकिन जो दूसरी पार्टियों में उनकी बुराई करो। एससी एसटी ओबीसी की जो पार्टी उनका बेसिक से साथ दो, लेकिन जो ब्राह्मण बनी है ठाकुरों की पार्टी उनका मत दो, है ना। अपने लोगों को वोट करो, हार जाए कोई बात नहीं। आप मान लो यहाँ पर एमएलए चुनाव लड़ते हैं, और भी तो हारते हैं लोग, एक ही आदमी तो जीतता है। इस समाज को खड़ा होना सीखना पड़ेगा। ये जो 2 तारीख को हम लोग खड़े हुए थे ना अप्रैल में, ये भारत बंद किया था, इससे दर्द हुआ है। आप जब खड़े होने लग जाओगे ना, इन माइकों में बोलने लग जाओगे, कुर्सियों में बैठने लग जाओगे, इनको तो अच्छा नहीं लगता कोई दलित ना आगे भी आए। ये लोग चाहते हैं राम राज में ले जाना। जब हमारे पीछे झाड़ू बनती थी, हमारे कपड़ों में स्मेल आती थी, क्योंकि इन्होंने व्यवस्था ऐसी कर रखी थी, हमारे बुजुर्गों की मजबूरी थी बेचारों। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, मुझे चाहे 10 आदमी हम बुलाओ, हम लोग तो मिशनरी लोग हैं, है ना। और कसम है साहब काशीराम जी और बाबा साहब की, मैं काशीराम साहब का जिक्र इसलिए करता हूँ कि उस आदमी जितना, देखो हमने बाबा साहब को तो नहीं देखा, लेकिन काशीराम साहब तो अभी थोड़े दिन पहले ही इस संसार को छोड़ के गए हैं। अगर उन लोगों के साथ हम लोग न्याय नहीं करेंगे, उनकी विचारधारा पर नहीं चलेंगे, तो हम लोग कहीं ना कहीं समाज से गद्दारी करेंगे, है ना। तो आप लोग जो है ना ठीक हो जाओ, मैं सीधा सा आदमी हूँ गाँव का, है ना। वैसे दिल्ली में रहा हूँ, मैं आईटीओ रहा हूँ, हमेशा एजुकेशन वही हुई है, लेकिन मैंने अपनी जो है ना लैंग्वेज नहीं छोड़ी, क्योंकि हमें अपने लोगों को ज्यादा समझाना। जो लोग बाहर चले गए, जय भीम भाई, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जो है ना नारा तेज लगाना, मैं बोलूंगा बोल 85, आपने बोलना जय मूल निवासी, ठीक है, तेज लगाना बोल 85।